हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की एक्सरसाइज। तो अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। वहाँ क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो अगर आपने इससे पहले की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है, जिसके अंदर मैंने आपको फैक्टोरियल्स के बारे में बताया था, फैक्टोरियल्स क्या होते हैं, कैसे हम उनकी नोटेशंस लगाते हैं, कैसे हम उनको सॉल्व करते हैं, उनकी बेसिक वीडियो अगर आपसे मिस हो चुके हैं तो ऐसा जस्ट एक बार जरूर देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर की प्लेलिस्ट, जितने भी हमने वीडियोज अब तक कवर कर लिए हैं, उन सबका लिंक आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल सा मेथड बता देती हूँ, फैक्टोरियल को एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। फैक्टोरियल क्या होता है? कोई भी n फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब जैसे कि यहाँ पर अगर मैं 5 फैक्टोरियल लिखती हूँ, तो 5 फैक्टोरियल को ओपन करने का मतलब क्या है? 5 × 3 × 4 × 3 × 2 × 1। तो कहाँ तक जाना है? हमें 1 तक जाना है, 0 पे नहीं जाना। क्यों? क्योंकि 0 क्या है? आपका एक नेचुरल नंबर नहीं है। और जो फैक्टोरियल होता है, इट इज़ ऑलवेज अ प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो अगर n फैक्टोरियल को ओपन करना है तो n माइनस 1, 1 कम, फिर 2 कम, फिर 3 कम, एंड सो ऑन। कब तक कम करते रहना? जब तक 1 नहीं आ जाता। ठीक है, ऐसे हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 8 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? 8 × 7 = 6 × 5 = 4 × 3 = 2 = 1। तो हम ऐसे ही जब इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6, 6 × 4 = 24, फिर आगे हम 5 से 6 से इन सबको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 40320। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आता है 4 × −3। इसको करने के दो मेथड है, एक इनोसेंट बच्चों वाला मेथड है और एक जो है जिससे हम अपने बेसिक्स को दिखा सकते हैं कि हाँ हमें बहुत अच्छे से बेसिक्स आते हैं। तो पहले तो मैं इनोसेंट बच्चों वाला करके दिखाती हूँ आपको। इनोसेंट बच्चों वाला वही है कि 4 को ओपन कर दो, 4 × 3 × 2 × 1, फिर −3 को ओपन कर दो, 3 × 2 × 1। तो ये हो गया 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, −3 × 2 = 6। तो इनमें से इसको माइनस किया तो 18 आ गया आपका आंसर। ठीक है, लेकिन ये तो हो गया बहुत इनोसेंट वाला मेथड। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए, अगर मान लो यहाँ पर 14 × −13 होता तो क्या करते? फिर तो हमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है ना। तो उसके लिए एक छोटा सा क्लेवर मेथड भी है। क्या मेथड है आपके पास? देखो, 4 × यहाँ 3 × तो 4 को लेकर जाओ 3 तक ओपन करके, 4 × −3 को ओपन करना है तो 4 × 3 तक रुक जाओ, माइनस यहाँ पे भी 3 है तो दोनों में 3 कॉमन आ गया। यहाँ क्या बच गया? 4 − 1। 3 को ओपन करेंगे, 3 × 2 × 1, और ये हो जाएगा 4 − 1 = 3। तो ये हो गया 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 18। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आप क्या प्रेफर करेंगे, ये वाला मेथड या ये वाला मेथड? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। बट मेरे लिए जो प्रेफरेंस मेथड रहेगा वो ये वाला मेथड रहेगा, क्योंकि इस मेथड से हम बड़े से बड़े डिजिट्स का भी सॉल्यूशन बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। 3 × 3 + 4 = 7। क्या ऐसा है? तो हमें इसको आंसर देना है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? हमें 3 + 4 को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं। 3 क्या होता है? ये हो गया 3 + 4, पहले इसको हमने सॉल्व करना है। तो आप सॉल्व करने के लिए ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये वाला मेथड यूज़ कर रही हूँ। तो कैसे करेंगे इसको हम? 3 + 4 को कहाँ तक लेकर जाएंगे हम? 3 तक। 3 कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 1 + यहाँ बच गया 4। 3 को ओपन करेंगे, 3 × 2 = 1, ये हो जाएगा 5। तो 3 × 2 = 6 × 5, ये हो गया आपके पास 30। ठीक है, अब हमें निकालना है 7 × 7। ठीक है, 7 तो 7 को ओपन करने के लिए तो हमारे पास एक ही है, 7 × 6 = 5 = 4 × 3 = 2 = 1। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6, 6 × 4 = 24, 24 × 5 = 120, 120 × 7 = 5040। ठीक है, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? क्या ये दोनों इक्वल आए? तो नो, तो हम लिखेंगे नो,
3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल. ठीक है, तो ये था सेकंड क्वेश्चन. चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है. देखो कैसे, सबसे पहली बात आप इसको एक वही एक लॉन्ग मेथड है और एक है आपका क्विक मेथड. ठीक है, तो अगर मैं लॉन्ग मेथड ओपन करती हूँ, मैं आपको पहले लॉन्ग मेथड से करके दिखाती हूँ. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक फैक्टोरियल, तो 8 मल्टीप्लाई 7 इसको ओपन करना पड़ेगा. 6 5 4 3 2 1 यहाँ पर 6 है तो 6 को भी ओपन करना पड़ेगा. 6 5 4 3 2 1 इंटू 2 को भी ओपन करना पड़ेगा. 2 मल्टीप्लाई 1 तो यहाँ 6 से 6 कैंसिल, 5 4 3 2 1 खत्म. फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल करेंगे, 4 4 7 जार 28 ये आएगा. तो देखो कितना खचपच पड़ गया, कितना कैंसिल करना पड़ रहा है ना. तो हम इसकी बजाय हम एक चीज़ भी कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं, जैसे कि 8 है तो 8 फैक्टोरियल को हम 6 तक ओपन कर लेते हैं. 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, यहीं पर रुक जाओ, नीचे है 6 फैक्टोरियल, यहाँ 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिख दो. 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल. क्यों? क्योंकि जब आप इसको ओपन करोगे तो भी तो 6 5 4 3 2 1 आएगा, 6 5 4 3 2 1 आएगा. इस इतनी बड़ी कैंसिलिंग की बजाय हमने एक सिंपल कैंसिल कर दिया है ना. ओके, नेक्स्ट इसको इसे कैंसिल कर दिया. 4 4 7 सा 28, देखा दो स्टेप में आपका आंसर आ गया. ठीक है, तो ये था थर्ड क्वेश्चन. चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसा हमने एग्जांपल भी किया था और मैंने आपको बताया था कि कैसे करना है. देखो अगर मैं यहाँ पर 6 फैक्टोरियल ओपन करूँ, उसकी मल्टीप्लाई लेकर आऊँ, 7 को ओपन करूँ, उसकी मल्टीप्लाई, 8 को ओपन करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना बड़ा क्वेश्चन जाएगा और कितनी कैलकुलेशंस हमने करनी पड़ेंगी, है ना. तो यहाँ हम ना थोड़ा क्लेवर चलेंगे, हम अपने बेसिक मैथ्स को उठाएंगे. जैसे हमें x को फाइंड करना है तो यहाँ पर हम राइट हैंड साइड में सिर्फ x को छोड़ देंगे और 8 फैक्टोरियल हम इधर लाने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पर ये डिवाइड में है तो यहाँ के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. तो हम यहाँ अगर मैं मल्टीप्लाई में लेकर जाती हूँ, अंदर क्या आएगा, 1 अपॉन में 6 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन में 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू यहाँ क्या रहेगा, सिर्फ x. अब 8 फैक्टोरियल को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 8 फैक्टोरियल डिवाइड में 6 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल डिवाइड में 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x. अब 8 फैक्टोरियल को ओपन कर देंगे कहाँ तक, 6 तक. तो 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल डिवाइड में 6 फैक्टोरियल. इस 8 फैक्टोरियल को कहाँ तक ओपन करेंगे, 7 तक. 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल डिवाइड में 7 फैक्टोरियल. 6 से 6 कैंसिल, 5 7 8 सा 56. तो 7 से 7 कैंसिल, क्या बच गया, 8. ठीक है, इज इक्वल टू x, इज इक्वल टू x. तो 56 प्लस 8 कितना हो गया, 64. ये आ गई आपके पास x की वैल्यू. ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इवेल्युएट n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल व्हेन n इक्वल्स टू 6 एंड r इक्वल्स टू 2. तो यहाँ पर आपके पास एक तरीके से दो क्वेश्चन हैं, तो हम क्या करेंगे, इसे पार्टीशन कर लेते हैं. तो हम सबसे पहले यहाँ पे करते हैं पुटिंग n इक्वल्स टू 6 एंड r इक्वल्स टू 2. तो क्या मिलेगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइड में 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल. तो क्या आ गया, 6 फैक्टोरियल डिवाइड में 4 फैक्टोरियल. इसको ओपन कैसे करेंगे, हम 4 तक ओपन करेंगे. 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल डिवाइड में 4 फैक्टोरियल. 4 से 4 कैंसिल, 5 6 सा 30. ये आ गया आपका आंसर. देखा, वेरी सिंपल. सिमिलरली अब इसके लिए हम करेंगे पुटिंग n इक्वल्स टू 9 एंड r इक्वल्स टू 5. तो हमें क्या मिलेगा, ऊपर 9 फैक्टोरियल डिवाइड में 9 माइनस 5 फैक्टोरियल. ठीक है, तो ऊपर है 9 फैक्टोरियल, नीचे 9 माइनस 5 क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल. तो अब 9 को कहाँ तक ओपन करेंगे, 4 तक. 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल डिवाइड में 4 फैक्टोरियल. 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और हम अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 सा 30, 30 मल्टीप्लाई 7 210 है ना, 210. फिर 210 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 सा 8, 8 2 सा 16. फिर उसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90 54 प्लस 7 16 9 1 से 9 एंड 6 1 5 1 2 0. तो ये आ जाएगा आपके पास 15120. तो ये हो गया आपका आंसर. तो ये था लास्ट क्वेश्चन. थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स. थैंक यू.